हेलो एंड वेलकम। बहुत दिनों के बाद एक पूरा हॉस्पिटल का डिटेल्स लेके आया हूँ। आपने बहुत सारे ने मुझे पूछा था कि न्यूरोलॉजी के ऊपर ट्रीटमेंट, मतलब कि न्यूरो जो प्रॉब्लम होता है और मेंटल हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है जो न्यूरोलॉजी के ही साथ में आता है, ऐसा कुछ हॉस्पिटल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो बहुत ढूंढा और कुछ जगह से रिसर्च करने के बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद तब ये कंप्लीट वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर आप 20 रुपया देके ट्रीटमेंट करवा सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो, प्लस आपका जो वहाँ पर फैसिलिटी है वो है लेटेस्ट, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है वहाँ से सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज होता है। दोस्तों जिस हॉस्पिटल के बारे में बोल रहा हूँ वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, मतलब कि निमांस। बहुत सारे ने आपने मुझसे पूछा था निमांस के बारे में, वीडियो करने के लिए बोला था, न्यूरो साइंस मतलब न्यूरो जो ट्रीटमेंट होता है उसके ऊपर वीडियो करने के लिए बोला था। तो इस वीडियो आपके एकदम सटीक होगा, ये वीडियो आपके लिए ज़रूर देखना, स्किप मत करना। हर एक डिटेल से कैसे पहुँचे वहाँ पर, कैसे डॉक्टर दिखाए वहाँ पर, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, मतलब कि आप रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेके डॉक्टर दिखाने तक जो भी प्रोसेस है सब कुछ बोलूँगा। कहाँ पर रुकना है, अगर वहाँ पर रुकना है एक महीने के लिए तो किस जगह पर रुकना है, वो भी आपको सिर्फ 20 रुपया दे के आप वहाँ पर रुक सकते हैं। और पूरा महीना अगर रुक सकते हैं तो सोच सकते हैं कितना कम हो सकता है। 20 रुपया पार डे है उसका। और वहाँ पर कैसे पहुँचे, नज़दीक का स्टेशन क्या है, एयरपोर्ट क्या है, नज़दीक का बस स्टैंड क्या है, सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में है। स्किप मत करना, आखिर तक ज़रूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू के से पहले और एक बात, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निमांस ये एक ऐसा हॉस्पिटल है, 1847 में ये मेंटल हॉस्पिटल मतलब कि एक एसाइलम जैसे है ऐसे स्टार्ट किया गया था। 1974 में ये निमांस शुरू किया गया, मतलब कि ये सारे जो फैसिलिटी यहाँ पर अब है तो वो सारे फैसिलिटी 1974 से ये स्टार्ट किया गया। ये आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर है। अब सोच सकते हैं तो यहाँ पर ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है ये कितना लो है। आप सिर्फ यहाँ पर 20 रुपया दे के ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, मतलब कि डॉक्टर दिखा सकते हैं आउटडोर पे, ओपीडी डिपार्टमेंट पे। यहाँ पर एल्जाइमा से लेके डिस्पेंसिया, स्प्लिट पर्सनैलिटी, मेंटल डिसऑर्डर, इंसोमनिया, इस टाइप के सारे ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। साथ में होता है न्यूरो जो प्रॉब्लम होता है बहुत सारा का, मतलब का 25 यहाँ पर न्यूरोलॉजी के ऊपर यहाँ पर डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर अगर आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं तो अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं, यहाँ पर दो सिस्टम है, आप ऑनलाइन बुकिंग करके भी ओपीडी में डॉक्टर दिखाने के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर डॉक्टर दिखाने के लिए आप जा रहे हैं अगर ऑनलाइन पे है तो आप 20 रुपया दे के यहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर डायरेक्ट जाके बुकिंग वो भी करवा सकते हैं, पर वहाँ पर आपको कुछ देर मतलब कि 2-3 घंटा वेट करना पड़ सकता है, तो इसलिए ऑनलाइन बुकिंग करके वहाँ पर जाना। निमांस हॉस्पिटल एशिया का ऐसा पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर आप अगर डेट ब्रेन का जो उम्र है वो भी यहाँ से पता करवा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर उस टाइप का रिसर्च भी होता है। और यहाँ पर न्यूरोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है 25 अलग अलग डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर न्यूरो सर्जरी भी बहुत अच्छा तरीके से होता है। यहाँ पर न्यूरो केमिस्ट्री, न्यूरो माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरो पैथोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, न्यूरो वार्गोलॉजी से शुरू करके बहुत सारे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है न्यूरोलॉजी के ऊपर वो भी होता है। और साइकियाट्रिस्ट के ऊपर भी यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। और जिस डिपार्टमेंट के जो जो ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर जो जो डिपार्टमेंट है हर एक डिपार्टमेंट का जो डिटेल्स है वहाँ पर दिया हुआ है।
एचपीडी डिपार्टमेंट में न्यूरोलॉजी में कौन कौन से डॉक्टर है वो भी आप देख सकते हैं वीडियो में। अब आइए जान लेते हैं कैसे वहां पर डॉक्टर दिखाए। आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग जो ऑप्शन है वहां पर जाके आप आधार कार्ड के थ्रू ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। स्टेप आप वहां पर आप देख सकते हैं वीडियो में, ऑनलाइन बुकिंग के जो पेज है, और आप जाने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी स्टेप से यहां पर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। 20 रुपया दे के यहां पर आपको ऑनलाइन बुकिंग यहां पर करना होगा। और ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद फ़ोन पे एक SMS आ जाएगा। SMS के अंदर रहेगा कौन से गेट में आपके जाके, मतलब कौन से काउंटर में जाना होगा वहाँ पर पहुँचने के बाद। तो अब वहाँ पर पहुँचने के बाद अगर आप वहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं करके जा रहे, अगर आप वहाँ पर जाके डायरेक्ट बुकिंग करना चाह रहे, तो वो भी आपको वही काउंटर में खड़ा होके बुकिंग करना होगा। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके भी जा रहे हैं तो भी वहाँ पर जाना होगा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से एक बार दिखा के, वहाँ से आपको भेज दिया जाएगा OPD डिपार्टमेंट पे जहाँ पर आप डॉक्टर दिखा सकते हैं, और वहाँ से आपको दे दिया जाएगा कौन से रूम पे आप जाके डॉक्टर दिखा सकते हैं। तो वहाँ पर आके पहले जो आप आ रहे हैं तो वहाँ पर गेट नंबर 1 पे, अगर आप पहले बार जा रहे हैं तो गेट नंबर 1 पे जाके वहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, उसके पास सारे जो डिटेल्स है उसको दे देना पड़ेगा। उसके बाद वेटिंग रूम में वेट करना पड़ सकता है कुछ देर तक, वहाँ पर नाम आपको वहाँ पर कॉल करने के बाद कौन से रूम पे है, मतलब कौन से रूम पे डॉक्टर है वहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा, तो उस रूम पे जाके आप डॉक्टर दिखा सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर दिखाने के बाद लगे उस डॉक्टर को कि कोई और डिपार्टमेंट जाके आपको डॉक्टर दिखाना होगा, तो आपको वहाँ पर रेफर कर देंगे। तो उसके लिए फिर से आपको आना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे, 10 रुपया दे के रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद दूसरे दिन गेट नंबर 2 पे खड़ा होना होगा। गेट नंबर 2 पे खड़ा होने के बाद वहाँ पर आप कोई सिक्योरिटी के बात नहीं है, पहले फर्स्ट फ्लोर में जाके 2 रूम में है उस पे जिस रूम का जो एड्रेस, मतलब कि जिस रूम पे आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा उस रूम पे जाके वेट कीजिए। वहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा कीजिए, उसके बाद आपको नाम कॉल किया जाएगा जिस रूम पे आप कॉल किए जा रहे हैं, तो उस रूम पे जाके आप डॉक्टर दिखा सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगे कि आपको वहाँ पर एडमिट होना पड़ सकता है तो वहाँ पर आपको एडमिट हो जाएंगे, और एडमिशन का जो प्रोसीजर है वहाँ पर आप कर देना। तो एडमिशन का जो चार्ज है, अगर आप वहाँ पर जनरल में रहना चाहते हैं तो बहुत ही लो कॉस्ट है, अगर आप रूम में रुक सकते हैं तो जो चार्ज वगैरह है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, बहुत ही लो कॉस्ट है, 200 से 400 रुपया के अंदर वहाँ पर आपको रूम मिल जाएगा। तो एक है आपको जो एक रूम पे 2 पेशेंट वहाँ पर रह सकता है, और पेशेंट के साथ एक पेशेंट का जो घर का जो लोग है, मतलब कि जो रिलेटिव है, वो वहाँ पर रह सकता है। तो ये रहा डॉक्टर दिखाने का प्रोसेस। उसके बाद आइए जान लेते हैं वहाँ पर कहाँ पर रुक सकते हैं आप, मतलब कि ट्रीटमेंट करवाने के लिए अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो 10-15 दिन भी लग सकता है। अगर वहाँ पर रुकना पड़े तो कहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक निमांस हॉस्पिटल के पीछे ही 2 ऐसी जगह है जहाँ पर आप रुक सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है। और एक है इंफोसिस का और एक है लक्ष्मी मित्तल, ये दोनों ही धर्मशाला है, एक है इंफोसिस धर्मशाला, एक है लक्ष्मी मित्तल धर्मशाला। लक्ष्मी मित्तल धर्मशाला का जो रेंट है, अगर आप रूम मांग रहे हैं, मतलब सेपरेट रूम, वो है 200 पर डे, इसके लिए आपको 2000 रुपया डिपॉजिट करना होगा। और एक है 125 रुपीज पर डे, उसके लिए 1250 रुपीज आपको वहां पर डिपॉजिट करना होगा। फोन नंबर है 08022762052, 80227620528022, 80227620052। और एक है इंफोसिस फाउंडेशन धर्मशाला, इसका भी जो रूम है वो आप वहाँ पर डॉर्मेटरी भी है, मैंने पहले बोला था 20 रुपया देके आप डॉर्मेटरी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, मतलब कि बहुत लोग रहता है एक ही साथ एक कॉमन प्लेस में, एक कॉमन रूम पे,
अगर आप सेपरेटली रूम लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। रूम का जो रेंट है वो है 400 रुपीज। बेसिक जो एमिनिटीज है वो सारे आपको मिल सकता है, मतलब कि अटैच बाथ है, रूम पे एक किचन भी है, बेड है और ब्लैंकेट वगैरह वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी भी है और हॉट वाटर फैसिलिटी भी है वहाँ पर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ पर जा रहा है तो ये दोनों होम स्टे से जो भी है आप एक पे रुक सकते हैं। तो इंफोसिस फाउंडेशन का जो धर्मशाला है उसका फ़ोन नंबर है 8026534653 और एक है 8041261700। अगर आप ये नज़दीक वाले गेस्ट हाउस मतलब कि धर्मशाला में आप रहते हो तो आपको वहाँ पर आने जाने के लिए जो कॉस्ट है वो भी आपको नहीं लगेगा क्योंकि वो पैदल डिस्टेंस है। अब आइए वहाँ पर कैसे पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के लिए बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक स्टेशन है, उसका जो डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। उसके बाद है अगर आप वहाँ से कुछ दूर पे रह रहे हैं मतलब कुछ अलग जगह पे होटल में, वहाँ पर आसपास में बहुत सस्ता होटल भी है तो वो भी आप ले सकते हैं, आपके बजट के अंदर हो जाएगा, 800,000 के अंदर भी हो जाएगा। तो अगर वहाँ पर रुक रहे हैं तो मैजिस्टिक जो बस स्टैंड है वहाँ से इसका डिस्टेंस है 7 किलोमीटर और जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसके हिसाब से वहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर के अंदर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।